सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग के पास है हुंडई i10 न्यू मॉडल। इसके इंजन से साउंड आ रहा है। अभी वो साउंड क्यों आ रहा है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि साउंड किसके वजह से आ रहा है, क्या रीज़न था। तो ये इंजन का जो साउंड है वो पहले आप सुनोगे, ठीक है, और इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, जो है वो भी सब स्लो में दिखाया गया है, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग ने हेड पूरा निकाल दिया है। अभी ये भी जो है अभी हम लोग इसको भी निकाल देंगे और मैं आपको हेड की कंडीशन भी दिखा दूंगा। और ये आप लोग देख सकते हो पिस्टन की हालत कैसे, इसको हम लोग सर्विस कर देंगे। और ये गैसकेट आपको नया ही डालना पड़ेगा। तो ये है हेड, हेड की हालत देख सकते हो आप लोग। तो इस हेड को हम लोग कास्टिंग करेंगे। और ये भी देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्ले आ गया है, और इसके वजह से गाड़ी पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। और ये है कनेक्टिंग बेरिक जो कि पूरा घिस चुका है, देख पा रहे हो आप लोग। और ये देख सकते हो पूरा वो पूरा ख़राब हो गया, घिस चुका है ये। तो अभी ऐसा हम लोग नया डालेंगे इस पर। इसको और इसको हम लोग कास्टिंग करेंगे। ये हम लोग नया डालेंगे। तो हम लोग ने हेड को पूरा कास्टिंग कर दिया, देख पा रहे हो आप लोग। वो हेड भी देख सकते हो पहले कैसा था और अभी कैसा है, इसका कंडीशन आप लोग देख पा रहे हो। और ये है कनेक्टिंग बेरिंग जो कि हुंडई का ओरिजिनल है। इसका एक का प्राइस आप लोग देख पा रहे हो 660 रुपीज़ है, टोटल 5 है ये। और ये है गैसकेट जिसका आप लोग प्राइस देख पा रहे हो, ये भी ओरिजिनल ही है। और ये है अदर कनेक्टिंग बेरिंग्स। और अभी यहाँ पे हम लोग कनेक्टिंग बेरिंग्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कैसे लगाते। तो यहाँ पे सारे के सारे कनेक्टिंग बेरिंग्स हम लोग लगा देंगे। उसके बाद पिस्टन कनेक्टिंग बेरिंग में हम लोग लगा, जो कि मैकेनिक अभी वहाँ पे लगा रहे हैं। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखो कितना स्मूथली काम होता है। फास्ट फॉरवर्ड करूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फाइनली लास्ट वाला भी हम लोग ने पिस्टन के कनेक्टिंग बेरिंग लगा दिया। और ये साइड का आपको पोजीशन दिख रहा है, हम लोग ने अलग अलग लगाए, दो वो साइड है, दो ये साइड है, ये भी आपको पता चलेगा। देखो हम लोग इस पर ये रखेंगे, इसके लिए हम लोग ने वो साइड पर रखा हुआ है। और जो प्ले आ रहा था वो प्ले चेक कर रहे हैं। और इस पर भी हम लोग ने कनेक्टिंग बेरिंग लगा दिया है, अभी हम लोग इसको टाइट करेंगे और एक ट्रायल लेंगे। तो ये आप लोग देख पा रहे हो पूरा सब कुछ लगा दिया हम लोग ने। तो अभी मैकेनिक इसको घुमाएंगे, ये चेक कर रहे हैं कि फ्रीली मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अंदर की तरफ ऐसे घूमता है जो कि हम लोग देख नहीं सकते, पर अभी क्या उतर गया तो अपने प्ले चेक कर रहे हैं अभी ये लोग। देख सकते हैं आप लोग प्ले नहीं है अभी ज़रा भी। और फाइनली सब कुछ हम लोग ने लगा दिया है गाड़ी में, अभी इसको हम लोग लगा देंगे गाड़ी के अंदर। और फाइनल हम लोग ने लगा दिया है, तो इसके ऊपर हम लोग हेड, तो अभी हम लोग सारा पार्ट्स इस पर लगा देंगे, हेड भी लगा देंगे और इसके बाद हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके देंगे। तो अभी जो इसका रीज़न है वो साउंड क्यों आ रहा था वो मैं आपको बता दूँ। ये गाड़ी एक महीने पहले एक्सीडेंट हो गई थी, इस गाड़ी को रिपेयर भी किया था दूसरे गैरेज में, अभी हम लोग को नहीं पता कौन से गैरेज में था।
तो रिपेयर करने के बाद कस्टमर ने बताया 5-10 दिन के बाद आवाज आना चालू हो गया और ये गाड़ी हम लोग के पास आई। हम लोग ने चेक किया कि क्या फॉल्ट है इसमें, तो जो अभी मैं वीडियो में आपको दिखा वो प्ले आ रहा था, ठीक है, तो वो प्ले के वजह से साउंड आ रहा था। उन्होंने कनेक्टिंग बेरिंग जो होता है वो नया नहीं डाला था, इसके वजह से वो साउंड आ रहा था। तो हम लोग ने वो सारी चीज़ें नहीं डाली, जो उसका हेड था जो मैंने आपको बताया उसका हेड हम लोग ने कास्टिंग किया, उसको पूरा सर्विस किया, पूरा नया कर दिया। आप लोगों ने देख लिया रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को अगर एक प्ले मिलता है तो हम लोग कनेक्टिंग बेरिंग डाल के ख़त्म कर दे। जो भी हम लोग के पास कस्टमर आता है हमारे गैरेज पे, उनको हम लोग 100% सेटिस्फेक्शन का काम देते हैं ताकि आगे जाके उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और ही हम लोग की गारंटी है कि हम लोग उनको गारंटी देते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे इस गाड़ी में, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में यही था, और मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ है वो मतलब एक महीने के बाद में अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं ट्राई करूँगा वीक में 1-2 वीडियो डालने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर ज़रूर करना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।